करते हैं पेपर लीक प्रकरण की तर्ज पर ट्रीट होगा फर्जी एनओसी प्रकरण। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। प्रकरण को लेकर गठित राज्य स्तरीय कमेटी ने पूरी की अपनी प्रारंभिक जांच। संभवतः कमेटी अगले कुछ घंटे में सरकार को सौंपेगी प्रारंभिक रिपोर्ट। इस प्रकरण में सामने आए तथ्यों को उच्च स्तर पर लिया गया है काफी गंभीर। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार ने जिस तरह पेपर लीक प्रकरण में आरोपी पर सख्त एक्शन लिया, उसी तर्ज पर स्टेट की छवि खराब करने वाले इस प्रकरण में भी कार्रवाई के मूड में है सरकार, और वाकई में गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी कार्रवाई जो नजीर बन जाए, एक ऐसी कार्रवाई जो अंग के सौदागरों की रूह को कपा दे, क्योंकि सोचिए कहते हैं कि अंगदान महादान, और यहां जो महादान उस पर महाफर्जीवाड़ा, उसको एक धंधा बनाया गया, और जो चंद पैसों की मोहताज हैं उनके जिस्म से उनके जरूरी अंगों को बेवजह निकाला गया, या कहें कि लाखों रुपए कमाने के चक्कर में एक आदमी को अंदरूनी तौर पर विकलांग किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर। इसको लेकर बाकायदे कमेटी का गठन किया गया था, और जो कमेटी गठित की गई उस कमेटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पूरी कर ली है। संभवतः कमेटी अगले कुछ घंटों में सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप देगी। इस प्रकरण में सामने आए तथ्यों को उच्च स्तर पर लिया गया है काफी गंभीर, और सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार ने जिस तरह पेपर लीक प्रकरण में आरोपी पर सख्त एक्शन लिया है, उसी तर्ज पर स्टेट की छवि खराब करने वाले इस प्रकरण में भी कार्रवाई के मूड में सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, और होना चाहिए, एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये मानव शरीर के अंगों के सौदागर हैं, आप सोचिए अंतरराष्ट्रीय तार जोड़ते हुए नजर आए, वहीं देश के कई हिस्सों से इसके तार जुड़ते नजर आए। बाकायदा कुछ अस्पताल तो ऐसे जिनके बारे में जानकारी मिली कि उन्होंने एक कंपनी के साथ एमओयू किया हुआ है, और जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल दोनों पर एक बड़ा डेंट लगा है, उस डेंट को साफ करने की जरूरत, और उसके लिए जरूरी है कि बड़ी कार्रवाई की जाए, एक ऐसी कार्रवाई जो सभी के लिए नजीर बने। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक प्रकरण में सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है, बस उसी तरीके से सख्त कार्रवाई यहां पर भी की जाएगी, इस मामले में भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, तथ्यों को उच्च स्तरीय हम आपको बता रहे हैं। आपने इस खबर को बखूबी देखा होगा, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि किस तरीके से अंगों का व्यापार हो रहा है, एक जिस्म से पैसों के लालच में अंगों को निकालकर दूसरे जिस्म में डाला जा रहा है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। विकास, एक गंभीर मामला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट तैयार हो गई है। रिपोर्ट के अंदर क्या ये बता पाना तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन आपको क्या लग रहा है किस किस पर कैसी कैसी कार्रवाई हो सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, ये जो पूरा प्रकरण था, इस पूरे प्रकरण में फर्स्ट शुरू से एक एक चीज हमारे दर्शकों को बताई थी। अभी हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं कि जो राज्य स्तर पर गठित की गई थी, हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अगले कुछ ही घंटों में ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सुपुर्द कर दी जाएगी। इस प्रकरण में सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट यही है कि पेपर लीक प्रकरण की तर्ज पर अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी प्रकरण को ट्रीट किया जाएगा। सरकार ने इस पूरे मामले में काफी गंभीरता दिखाई है, और हाई लेवल से डायरेक्शन दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, जितने भी लोगों पे जिनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, और रिपोर्ट के अंदर जिन जिन लोगों के नाम जिक्र होंगे, उन सब पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी
जो प्रशासनिक पदों पे लगे हुए जो अधिकारी हैं, जिनकी किसी भी तौर पे चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भूमिका रहेगी, उन सब पर भी एक्शन लेने के लिए सरकार ने निर्देश दे दिए। यानी कि सीधे तौर पर सरकार इस पूरे मामले में एक्शन मोड में है, और इस पूरे मामले में जैसे ही राज्य स्तरीय कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसकी रिपोर्ट जैसे ही सरकार के पास आएगी, उसके कुछ ही देर बाद में एक्शन का दौर जो शुरू हो जाएगा। हमने कल ही इस पूरे मामले में संकेत दे दिए थे, आज हम आपको बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि अब ये पूरी जांच कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, और रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही अब जल्द ही ये रिपोर्ट सरकार को सपोर्ट की जाएगी। जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।